कश्मीर पे जो अटैक हुआ है जिसमें से 40 से ज़्यादा सिपाही शहीद किए गए हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने, जैश मोहम्मद के दहशतगर्दों ने, और फिर उसको बड़े फ़ख्र से कबूल भी किया, इसके क्या असरात खित्ते पे मुनक़िद होंगे? और उसके अलावा ख़ास तौर पे आज हमारा टॉपिक है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है बलूचिस्तान, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आज हमने अपने ख़ास मेहमान को मधु किया है। हमारे पास इस वक्त BNM के आलमी आवाज़ एक इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, हमल बलोच साहब, आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर जी, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। तो मेरा नाम हमल हैदर है, मैं बलोच नेशनल मूवमेंट का फॉरेन स्पोक्स पर्सन हूँ, वैसे लंदन में बेस होता हूँ। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी मौका मिलता है तो अपने पार्टी के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हैं। हमल बलोच साहब, आप जो इस वक्त बलूचिस्तान में जुल्म सितम जबर 1948 से चला आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लॉबिंग करते हैं, आलमी ऐवानों में उसको पेश करते हैं जी। और बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि शायद ऐसा तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान में तो बड़ा सुकून है, अमन है, कुछ शरपसंद हैं जो काम करते हैं, कुछ दहशतगर्द हैं जो काम करते हैं। तो आप दहशतगर्दों के तर्जुमान हैं, हमल बलोच स्पोक पर्सन, वो जो पाकिस्तान की रियासत पर इल्ज़ाम लगाती है। देखें, एक तो यह है कि मैं एक बात वाज़े करूँ कि दहशतगर्दों का तर्जुमान पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तानी स्टेट, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया की जितनी भी महजब कौमें हैं या पाकिस्तान के अंदर जो कौमें अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो है ख़ुद एक दहशतगर्द रियासत है, और दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने में पाकिस्तान की एक तारीख है, उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। यानी कि उनको पालते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी दहशतगर्द उस खित्ते में सरगर्म हैं, चाहे वो बलूचों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हों, चाहे वो शिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हों, जो मजहबी सेक्टेरियनिज़म हो, ये जो आसपास के मुल्कों में, जिस तरह भी आपने इंडिया के वाक़े का जिक्र किया, तो उसमें पाकिस्तान बराए रास्त मुलव्वस है। आप पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जैश मोहम्मद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते? देखें, जैश मोहम्मद जो है पाकिस्तान की बनाई हुई एक तंजीम है, और सिर्फ एक तंजीम नहीं बल्कि पाकिस्तान की ISI ने ऐसे कई दहशतगर्द ग्रुप्स बनाए हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़, जो अफ़गानिस्तान में और ख़त्ते के दूसरे जो है इंटरनेशनली भी एक्टिव हैं। मैं समझता हूँ कि उनको बनाने, पालने और उनको एक्टिवेट करने में पाकिस्तान का हाथ है, इसलिए पाकिस्तान है उसका ज़िम्मेदार है। हमल भाई साहब, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जो हिंदुस्तान के कश्मीर के इलाके पुलवामा में जो हमला होता है, ऐसे वक्त में होता है जब पाकिस्तान एक माशी तौर पर एक स्टेबिलिटी की जानिब जाना चाह रहा है, उसका एक क्राउन प्रिंस का दौरा हो रहा है, मुल्क जो है वो अपनी पाँव पे खड़ा होना चाह रहा है, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान जाके बोलेगा जाके हमला करो अपने ऊपर, आ बैल मुझे मार, ऐसा पॉसिबल है आप समझते हैं, या ये आप समझते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, या ये रोग एलिमेंट्स हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि ये रोग एलिमेंट्स हैं। देखें, आप जो है जैश मोहम्मद की पूरी जो तंजीमी सेटअप है उसको देखें जी, भावलपुर में जो 31st कॉप्स है उससे तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर इनका कंपाउंड है, वॉल्ड है, 6.5 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं। या ये किसके नज़दीक है ये जो बावलपुर में जो 31st आर्मी का जो कंटोनमेंट छावनी, कंटोनमेंट छावनी उससे 8 किलोमीटर के फासले पर है, और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक कंटोनमेंट अपना बनाया हुआ है, चार दीवारी है, उसके अंदर वो ट्रेनिंग करते हैं, घोड़ों का इस्तबल भी है जिसके अंदर वो अपने जो फाइटर्स हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं। ये बगैर पाकिस्तान की रजामंदी के कैसे होगा, ये खत्म नहीं हो सकता। ये कहना कि ये रॉग एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ बहाने हैं जी। पाकिस्तान जो है, देखें, आपने कहा कि अभी जो पाकिस्तान पे मुसीबतें हैं, पाकिस्तान पे तो हमेशा मुसीबतें हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी को फैलाना, दहशतगर्दों के ज़रिए दूसरे मुल्कों को ब्लैकमेल करना और अपने मफादत को हासिल करने में पाकिस्तान कभी नहीं झिझकता। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में इन्हीं मुश्किल हालात में था पाकिस्तान, जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर हाल ही में पिछले साल से लेकर अब तक तकरीबन 50 से ज़्यादा खुदकुश हमले करवाए हैं, और सबको पता है कि तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लेजिटिमेटली इस दहशतगर्द ग्रुप्स को सपोर्ट करने, मैं टाइमिंग की बात कर रहा था ना, कि जो टाइमिंग मैं लॉजिक नहीं समझा अभी तक कि ये टाइमिंग गलत थी। मैं अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता, मैं कभी नहीं चाहता कि सऊदी क्राउन प्रिंस सुल्तान आए हुए और मैं एक हमला भी करवा दूं साथ साथ। देखें, टाइमिंग सोचें आप, जरा
मतलब किसी भी तरह से ये मतलब बात समझ में हजम नहीं हो रही लोगों को कि पाकिस्तान क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। देखें, एक तो यह है कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के अपने मसाइल हैं, वो पाकिस्तान में दौरा कर रहा है, उनके अपने मुफादात हैं जी। लेकिन इसी दौरान एक वाकया ईरान में भी हुआ जी। पाकिस्तान जो है एक किराए की फ़ौज है, वो ये ख्याल नहीं करता कि सऊदी प्रिंस यहाँ आएंगे, उनके साथ जो है हिंदुस्तान के अंदर हमने जो किया उस पर, क्योंकि वो तो इस मसले को अपने साथ बहस नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान ये एक तासर दुनिया को ये दे रहा है और इंडिया को भी दे रहा है कि यहाँ के जो मामलात हैं वो हम हैंडल करेंगे, और जो दहशतगर्द हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, जिनको परवान चढ़ाना वो हमारे हाथ में है, एक ताकत है जिनको हम जहाँ चाहें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक टाइमिंग से है नहीं, इसका ताल्लुक सिलसिलावार चल रहा है, ये एक मखसूस वाकया नहीं जो उन्होंने इस टाइम पे करनी थी, बल्कि एक सिलसिला है, तरबियतें उनकी हो रही हैं, वो कभी भी चाहें उनके जो प्रॉक्सीज हैं वो जाके हमला करते हैं। अच्छा, ये इस बात से मैं आपसे किसी हद तक मुतफिक होता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो छावनी के साथ ही 8 किलोमीटर पे एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, और ये ट्रेनिंग ज़ाहिर है इसके लिए फंड्स भी चाहिए होते हैं, इसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और ये ज़ाहिर है किसी सिविलियन हुकूमत का तो काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अफवाज के खुद बड़े अहम रहनुमा ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये हम इनको सपोर्ट करते हैं, ये हमारे फेवरेट लोग हैं। परवेज मुशर्रफ ने एक दफ़ा क्या कहा था एक चैनल पे, मैं आपको थोड़ा सा उसका क्लिप दिखाना चाहता हूँ, वो देखते हैं, क्योंकि ये बाज़ुकात पाकिस्तान की रियासत का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि हमें सबूत फराहम करें फिर हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे, पुलवामा का सबूत दिया जाए। तो सबूत कैसे दिया जाता है? सबूत आपके अपने लोग खुद अपने अल्फाज में देते हैं। मैं चाहूँगा एक वीडियो देखें, परवेज मुशर्रफ साहब क्या कह रहे हैं निजी टेलीविज़न को, और वो सबूत भी खुद ही पेश कर रहे हैं। तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ, और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं लश्कर तैयबा वाले और ये जमात उद्दावा वाले। तो भाई आप भी उनको पसंद करते हैं? वो आपको पसंद करते हैं और आप उनको पसंद करते हैं? मैं उनको पसंद करता हूँ बिल्कुल। पसंद करते हैं आप? यस, मैंने मिला हुआ उनसे, और रिसेंटली भी, बस अब छोड़े ना इन बातों के, मुझे मालूम है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कश्मीर में एक्शन के फेवर में रहा हूँ, और मैं हमेशा इनके फेवर में रहा हूँ कि कश्मीर में ये इंडियन आर्मी को हमने दबाना है, और ये सबसे बड़ा फोर्स है, और इनको टेररिस्ट डिक्लेयर इंडिया ने करवा दिया अमरीका के साथ मिलकर। यस दे आर इन्वॉल्व इन कश्मीर एंड इन कश्मीर इट इज बिटवीन वी एंड इंडिया। यस दे आर इन्वॉल्व इन कश्मीर and in Kashmir it is between we and India. And yes, they are involved in Kashmir. And in Kashmir, yes, they are involved in Kashmir. जैश ए मोहम्मद इनके बहुत सपोर्ट किया है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक, इन्होंने 10 साल का अरसा गुजारा है, और इस कंपाउंड को, इस लोगों को तरबियत में, जहनीत में, जंग के लिए भेजने में प्रॉक्सी के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब सबूत फराहम करें, किसी भी दुनिया की कोर्ट में ले जाएंगे सबूत। आपको लगता है कि ये एडमिसबल सबूत खुद रियासत ने फराहम किया? देखिए, इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान जो है लश्कर तैयबा से लेकर जैश मोहम्मद तक, इससे पहले जो अरकतुल मुजाहिदीन था, पाकिस्तान की बैकिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये सबूत हमारे सामने है। और दूसरे बहुत से, जो मुंबई का वाकया हुआ था जी, मुंबई के वाक्य के तो बहुत सारे सबूत हैं, तो बहुत सारे सबूत हैं ना। पहले पाकिस्तानियों ने इनकार किया था कि ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या इस्टेब्लिशमेंट ने या स्टेट कहें आप, उसने इनकार किया था कि हम नहीं हैं, वो डिनाय करते रहे जी। लेकिन बाद में सबूत आ गए कि वाकई जो अजमल कसाब था वो पाकिस्तान से है। फिर उनको मानना फरमाया कि इंडिया से, कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दीजिए और हम जो है वो उन पर एक्शन लेंगे। तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस क्या होती है, कि हम इसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं, या इनको किसने तरबियत दी, या वो उसको डिसओन कर रहे हैं कि ये जो हमने लोग भेजे थे ये हमारे लोग ही नहीं हैं, ये तो किसी और के लोग हैं। मुंबई अटैक भी शायद किसी और नहीं किया था, मुंबई अटैक की आपने बात की, मैं एक और क्लिप आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको वाजे अल्फाज में 4 लोग ये कहते हुए नज़र आएंगे कि ये मुंबई अटैक के पीछे कौन लोग थे। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत नहीं है, हम नहीं कर रहे, रोग एलिमेंट कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं, तो ये इतने बड़े सतह पर जब इसको एक्सेप्ट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, तो दुनिया को अब ये समझना होगा कि जब तक ये खुद नेक नियति के साथ इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, टेररिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे, दुनिया इसको मानेगी कि आप उसको परपेट्रेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। आइए एक क्लिप देखते हैं मुंबई अटैक के बारे में क्या कह रहे हैं मुख्तलिफ लोग। उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहां फिर ये
لشکر طیبہ وغیرہ بنی, بہت سی 10-12 اور بھی بنی, وہ ہمارے ہیرو تھے جی. وہ ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو کشمیر میں اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے. اب دیکھو نا, اٹیک ان ممبئی کیریڈ آؤٹ بائی اے ٹیررسٹ گروپ بیسڈ ان پاکستان آن 26 نومبر 2008 از اے کلاسک ٹرانس بارڈر ٹیررسٹ ایونٹ. آئی ہیٹ ٹو ایڈمٹ دس, بٹ دس از ٹرو. انفارچونیٹلی مسٹرسٹ اوور رولڈ کامن سینس. انسیڈنٹلی ایٹ that point in time I was the national security advisor of Pakistan. ye jo bharat ka bombay blast ke bare mein blame thi ki hai ki ye koi lashkar e taiba koi aur mujahideen. I think it's possible, you know, I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non state stand. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. They no militant groups. Including Jamaat Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in sort of becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. The life is very cheap here. ye hamare hero hain ji, ye yahan se taiyar ho ke gaye aur inhone hamle kiye. ye Hamid Gul keh rahe hain aur is waqt ke maujooda wazir azam Imran Khan bhi keh rahe hain ki mujhe ye confirm to nahi lekin ye mujhe maloom hai ki yahi se hua hai, پاکستان سے ہو. یہ پرانی تاریخ ہے ہماری, اور آج کی تاریخ میں سیم اسکرپٹ سیم طرح اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے. اور عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ آپ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس دیجئے اور ہم ایکشن لیں گے. وہاں پہ 10 سال تک اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں رہا, اور مشرف صاحب کہتے رہے گیو اس سم انٹیلیجنس اینڈ ویل فائنڈ ہم. سو وہ آپ کی چھاونی سے 2 کلومیٹر دور تو اسامہ بن لادن رہتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ سارے ثبوت ہیں اور یہ اقرار کر رہے ہیں, مطلب جو مشرف سے لے کر عمران خان جو وزیر حمید گل اور دوسرے حمید گل آئی ایس آئی کے جو چیف تھے, وہ مطلب یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں سب کے سامنے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں نہ صرف اسٹیٹ جو ہے پردے کے پیچھے بلکہ بظاہر کر رہی ہے. ابھی بات جو ہے سامنے آ چکی ہے, سب کو پتا ہے. ایک انڈیویجول نے جا کے وہاں پہ خود کو شملہ کیا, وہ انوالو تھا, وہ خود مارا گیا, لیکن اس کے ماسٹر مائنڈس کون ہیں اور ان لوگوں کی تربیت کہاں ہوتی ہے, مدرسے کہاں ہیں جہاں ان کی برین واشنگ ہوتی ہے دہشت گردوں کی, خودکش بمبارز کی, تو یہ پاکستان کے اندر سب کو پتہ ہے. اس میں اب مزید کیا ایکشنیبل ایویڈنس کی ضرورت ہے؟ دنیا کو پتہ ہے, پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس میں انوالو ہے. اور یہ جو ہے بیانات ایک دو آ جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں صرف بات کو ٹالنے کے لیے, اس طرح نہیں ہوگا. مطلب پاکستان باقاعدہ انوالو ہے, پاکستان اس کا ذمہ دار ہے, اور نہ صرف اس میں بلکہ جہاں اس خطے میں جہاں بھی اسلامی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ براہ راست یہ ہندوستان کی سالمیت پہ ایک حملہ تھا, اور اب ہندوستان اس کا کوئی ریئیکشن دے گا, یا ہندوستان ہمیشہ کی طرح بولے گا جی ہمارے چناؤ ہو رہے ہیں, ہم بہت بزی ہیں اور ہم بڑے امن و شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم ایک اسٹیٹ ایسی ہیں جو ہم دوسرے ملک میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے, ہمیں مارو, ایک تھپڑ پہلے مارا تھا ایک اور مار لو, پھر جوتے مار لو, ہم نے کچھ نہیں کرنا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ سرکار جو ہے وہ کچھ سیریس سنجیدہ ایکشن لے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی سالمیت پر جس دن سے گروپس بنے ہیں حملہ کرتے آ رہے ہیں. 17 حملے تو نون ہو چکے ہیں, جس میں پٹھان کوٹ, ممبئی اور نہ جانے کتنے. تو اس وقت سے لے کر اب تک ہندوستان سوچ رہا ہے کہ شاید ہم کریں یا نہ کریں, یا دوستی کر لیں, یا مودی صاحب اڑ کے نواز شریف صاحب کے جو وہ مہندی یا منگنی کی تقریب میں چلے گئے واپس آ گئے, دوستی ہو گئی, کبھی کوئی چلا گیا, کبھی مشرف, کبھی کرکٹ ڈپلومیسی ہو گئی. یہ کب تک کب تک؟ ہندوستانی تو آج سڑک پہ نکلا ہے نا, ہندوستانی تو آج سوال کر رہا ہے. وہ آپ جا کے دیکھیں ہندوستان کی سڑکوں پہ اس وقت کیا ماحول ہے. وہ اس وقت اپنی سرکار چاہے اگر ایکشن نہیں لے گی تو وہ عوام کا بس نہیں چل رہا کہ وہ خود ایکشن لے لیں. جی بالکل. نہیں, ہندوستان کو ایک روبسٹ قسم کی پالیسی بنانی چاہیے,
پاکستان کے خلاف جتنے بھی یہ گروپس ہیں, جو پاکستان کی حمایت میں جتنے بھی یہ گروپس ہیں, ان کے خلاف ایک باقاعدہ روبسٹ قسم کا پلان ہونا چاہیے. اور جس طرح کرتے آ رہا ہے ہندوستان, مطلب ایک مذمتی بیان آیا, تھوڑا سا پریشر ڈال دیا, بات تھوڑی آگے گئی اور پھر ختم ہو گئی, اس طرح نہیں ہوگا. یہ حملے ہوتے رہیں گے, یہ دہشت گرد ہندوستان پہ حملہ کرتے رہیں گے اور اس کی سالمیت کو چیلنج کرتے رہیں گے اور لوگوں میں غصہ بڑھتا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس طرح زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. ہندوستان کو چاہیے کہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف اور یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن لے. اور ہم جس طرح بلوچ ہوئے اور دوسرے قومیتیں پاکستان سے بیزار ہیں, جو پاکستان سے جدا ہونا چاہتے ہیں, وہ جو یہ اسلامی دہشت گردی کا نیکسس ہے اس سے بھی تنگ آ چکے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, اس پورے خطے میں اس کی ایک حیثیت ہے اور انفلوئنس ہے پوری دنیا میں. تو اس خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے انڈیا کو ایک رول ادا کرنا پڑے گا. اور جس طرح ہندوستان بلکہ خود براہ راست اس میں انوالو ہے, ابھی اس دہشت گردی کا شکار ہے, تو ہندوستان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی ایسا سیریس پیغام دیا جائے؟ ابھی بس چھوٹے چھوٹے پیغامات آ رہے ہیں کہ پانی روک لیں گے ہم, 200% جو ہے ڈیوٹیز بڑھا دی ہم نے, اور وہ ٹماٹر پہ پتہ نہیں کیا مسئلے چل رہے ہیں. لیکن ان چیزوں سے دیکھیں, ان سب چیزوں کے پیچھے ایک اکنامک فنڈنگ ہوتی ہے, اور جس طرح سے پاکستان ایک چائنا کی کالونی بننے جا رہا ہے, جس طرح سے اب بلوچستان میں بلوچی نہیں بلکہ چینی رہا کریں گے, جس طرح سے وہاں کی جو سچویشن ہے, جو آپ کے مردوں کو لاپتہ کر دیا گیا, خواتین جو ہیں وہ بلوچستان چلا رہی ہیں, یہ ایک طرح کی آکیوپیشن ہے جو ایک تو 1948 میں ہوئی تھی بلوچستان پہ, اور اب یہ دوسرے چائنا کی صورت میں ہو رہی ہے, اور یہ بھی جو ریجن ہے اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, بلوچستان کو چائنیز کے ہاں بیچ رہے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے وسائل تھے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے لوٹتے آ رہے ہیں. اور جو سندک میں جو سونے کی کان لگی, وہ چائنا کو انہوں نے دان میں دیے, مفت میں دیے. ابھی چائنا کی غلامی کرنے کے لیے, چائنا سے پیسے وصول کرنے کے لیے بلوچستان انہوں نے ان کو دھان میں دے دیا جی. ان کے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس میں بلوچوں کا کیا نقصان ہوگا جی. ان کو اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں کہ اس علاقے میں, اس خطے میں جو سیاسی ٹرموائل آئے گی, اس کے مطلب کنسیکوئنسز کیا ہوں گے, وہ اس چیز کو نہیں سوچ رہا ہے. اور اس کے ماحولیاتی کیا اثرات ہوں گے, اس کے بارے میں بھی پاکستانی نہیں سوچ رہا.